नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जैसे बारिश का मौसम भी चल रहा है और जैसे भाद्रपद महीना ख़त्म हो गया, जो आश्विन महीना है वो लग गया है। इस बार दो आश्विन महीने है, अधिक मास है, तो अभी क्या है कि बारिश भी थोड़ी लेट हुई थी इस बार, तो अभी हफ्ते पर कंटिन्यू बारिश चली। उसके बाद में क्या हुआ कि अभी जो मच्छर मक्खी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, तो जैसे कई मित्र है अपनी गौशाला में, अपने गोठे में केमिकल का प्रयोग करते हुए तरह तरह की दवाइयाँ लाते हैं और वो छिड़काव करते हैं, या फिनेट का छिड़काव करते हैं, कई लोग केरोसिन का करते हैं, तो केरोसिन भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मैं आज आपको एक देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ, उससे आप अपनी गौशाला को मच्छर मक्खी का प्रकोप से उसको फ्री रख सकते हैं। जो मच्छर मक्खी का प्रकोप है मित्रों, वो क्या होता है कि सुबह और शाम के समय ज़्यादा होता है, और स्पेशली शाम के समय बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उस समय गायें बैठ भी नहीं पाती, खड़ी रहती है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये गायें लगभग काफ़ी गायें बैठ गई है, और इनके आप देखेंगे ध्यान से तो पूंछ और कान अब कम चल रहे हैं, मच्छर मक्खी अब इतना उड़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि मच्छर मक्खी का एक देसी इलाज है हमारे इधर। ये देखिए पीछे मैंने धुआं कर रखा है, तो ये जो मित्रों जो ये देखे आप छोटा सा पौधा है, हमारे इधर जो मेड़ों पर, खेत की मेड़ों पर और रोड के किनारे भी काफ़ी ये उगता है, तो इसको हमारी लोकल भाषा में महुआ बोलते हैं। वो महुआ जो आप बड़े पेड़ के बारे में जिससे शराब बनती है, वो वाला महुआ नहीं, इसको महुआ बोलते हैं अब लोकल भाषा में। लेकिन इसका जो संस्कृत नाम है, मैंने इसका पता किया है, तो सर्पगंधा नाम है इसका। हालांकि आपके क्षेत्र में इसका नाम कोई दूसरा अलग हो सकता है आपकी लोकल भाषा में, लेकिन संस्कृत नाम है जो इसका सर्पगंधा है। आप गूगल पर सर्च भी कर लीजिए, और लगभग हर क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसकी पहचान ये है, देखिए मित्रों, ये छोटे पत्ते होते हैं, और ये देखिए आप जैसे ये इसके ब्लू कलर के जो फूल आते हैं, और ये ऐसी ऐसी फलियाँ आती है ये, और ये इसी साइज़ का पौधा होता है, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि 12 ही महीने ये पौधा खड़ा रहता है और सूखी अवस्था में, लेकिन जैसे ही ये बरसात होती है तो एकदम हरा भरा हो जाता है, और इसके पत्ते भी बड़े बड़े होने लग जाते हैं, और अब ये क्या है कि फलियाँ आने लग गई, पकने लग गया। तो हमारे इधर क्या करते हैं कि इस पौधे को लाके जो नीचे हम क्या करते हैं, कोई चारा भूसी वगैरह डाल के उसकी आग जलाते और उसके ऊपर ये डालते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा धुआं होता, और ये धुआं इसमें, इस पौधे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे ये मच्छर मक्खी है बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर आपकी गौशाला में आप 3-4 दिन कंटिन्यू करेंगे तो मच्छर मक्खी देखेंगे कि आप लगभग 80-90% इसे ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल भी। और अगर आपने नोटिस किया होता होगा कि कई मेरे वीडियोज़ में क्या होता है कि जब गौशाला में वीडियो बनाता हूँ तो मक्खी है मुँह पर आकर बैठती है, अभी देख लीजिए आप, बहुत ही कम मक्खियाँ हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये गायें हैं, तो गायों को देख लो आप, आराम से बैठी है गायें बीच, आप उनके कानों के मूवमेंट से और पूंछ के मूवमेंट से पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल कम है। और देखें आप ये सामने जो माँ बेटी है, आराम से इनमें कितना प्यार है, और ये आराम से चाट रही है, तो ये दूसरी एक्टिविटी कर सकती है, एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन मित्रों, मैं वापस डाल देता हूँ इसके, और मैं ये बताना चाहता हूँ मित्रों, कई बार क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में अगर आपके वहाँ पे ये जैसे सर्पगंधा, ये जो महुआ है, अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करें, उस स्थिति में मित्रों दूसरा सस्ता उपाय है कुछ नहीं तो नीम, आपके पास ये जैसे नीम है ना, तो नीम के आप डालियाँ ले ले, पत्ते ले ले, और नीचे कोई भूस से आप हल्की सी आग जला दे, तब आपको लग जाए कि आग बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। उस समय इसके ऊपर ढेर सारी ये जो टहनियाँ नीम की है पत्तों सहित डाल दे, तो उससे क्या होता है, आग तो वो बुझ जाएगी लेकिन वो उसकी जो टहनियाँ धीरे धीरे जलेगी तो उससे धुआं बहुत होगा। तो नीम में भी वो तत्व पाए जाते हैं, तो नीम तो लगभग हर जगह, हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास नीम भी नहीं हो, हालांकि नीम में वो तत्व पाए जाते हैं, अगर नीम भी नहीं हो तो आप हरी घास कोई भी हो आपके क्षेत्र की, तो सूखी घास थोड़ी सी जला के उसके ऊपर हरी घास डाल दे, तो उससे क्या होगा कि वो धुआं होगा ना, तो हरी घास भी क्या होता है कि बारिश के समय में बहुत प्रकार की उगती है,
तो रेगुलर वो जो अपन सिंचाई करते वो वाली घास नहीं, और अलग अलग प्रकार की घास लाके पौधे लाके डाल के दे, उनका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन सबसे इफेक्टिव है हमारे क्षेत्र में तो ये सर्पगंधा है, महुआई है, और सेकंड नंबर नीम आता है। तो ये मतलब आपको केमिकल के महंगे केमिकल भी खरीदने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, और आराम से मतलब एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक रुपया इसके लिए मैंने खर्च नहीं किया है, बस रोड से किनारे थोड़े बहुत काट के लिए या बाइक पे, और शाम के समय आप लगा दो, चार पाँच दिन आपके मच्छर मक्खी बिल्कुल इस, और इस समय जो प्रकोप होता है मच्छर मक्खी का, उसकी वजह से आप देखेंगे गाय हरे चारा चरेगी ना, तो उस समय भी क्या होता है कि उनको ये मच्छर मक्खी बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं, तो उनका खून चूसते हैं ये मच्छर, तो उस समय उनका शरीर नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हल्की सी ठंड, जब आश्विन माह उतरता है और कार्तिक लगता है, हल्की सी ठंड आने लगी, उस समय यह इनकी लाइफ सर्कल भी मच्छर मक्खी का ख़त्म हो जाता है, तो उस समय देखेंगे इनका शरीर अच्छा बनेगा, इनका हष्ट पुष्ट होगा। लेकिन आप अगर ये उपाय करेंगे ना, तो मच्छर मक्खी परेशान नहीं करेंगे, तो आपकी गायें भी स्वस्थ रहेगी और एकदम उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा। तो आशा करता हूँ मित्रों मेरा वीडियो, ये जानकारी है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ आगे शेयर करें, अपने परिवारजनों को भी बताइए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे ही समय मिलता है तो मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।